मीडिया को कह दिया गया, आज तो एक नेता ने भी कहा है कि मीडिया को कह दिया गया कि किसको दिखाना है किसको नहीं दिखाना है। दो धर्म अभी भी एससी एसटी ओबीसी माइनॉरिटी के पास जो सोशल मीडिया वो उतना ताकतवर नहीं है, संसाधन कम है, लेकिन अब वो मौका दे रहा है। यूट्यूब फेसबुक ट्विटर ये नहीं होता तो ये भी मौका नहीं मिलता, क्योंकि अब वहाँ और लोगों का टीवी देखने का तरीका बदल गया, अब लोग टीवी भी मोबाइल पर देख रहे हैं, तो इसलिए बहुजनों के लिए बड़ा मौका है। मैं तो कहूँगा हज़ारों की संख्या में लोग अपने आप को यूट्यूब के पत्रकार यूट्यूबर्स बनाए, कंटेंट क्रिएटर बनाए, पैसा भी है सम्मान भी है और आप देश को मजबूत भी करेंगे। हम जातिवाद के शिकार लोग हैं, हम जातिवाद खत्म करना चाहते हैं, हम चाहते हैं संविधान लागू हो। अब जिन्होंने जाति बनाई है, जिनके खिलाफ हम लड़ रहे हैं, वो हम पर क्या फूल बरसाएंगे, कालीन लेके आएंगे? मीडिया की जाति सहमति है और धार्मिक सहमति है आरएसएस बीजेपी के साथ। यात्रा से आए हैं लेकिन मीडिया में ये खबरें नदारत है, कैसा है माहौल भारत जोड़ यात्रा? देखिए मीडिया के हिसाब से देखेंगे तो मीडिया उसी को दिखाती है, मीडिया जिसमें मीडिया कर्मियों की जाति और धर्म हो। तो इस देश में कांग्रेस के लंबे समय तक कांग्रेस का राज रहा, कांग्रेस ने कभी डाइवर्सिटी पर काम नहीं किया, उसका खामियाजा उनको भुगतना पड़ रहा है। अगर आज मीडिया में एससी एसटी ओबीसी और माइनॉरिटी के बहुसंख्यक लोग होते, पत्रकार होते, संपादक होते, उनके मीडिया हाउसेस होते तो आज ये क्राइसिस ना होती। सोचिए जब कांग्रेस सत्ता में थी तो मीडिया किसको दिखाती थी? कांग्रेस को उस समय मायावती, कांशीराम, लालू यादव, इन सबको मीडिया नहीं दिखाती थी। अब वही भेदभाव कांग्रेस के साथ हो रहा है, क्योंकि जो मीडिया कर्मी हैं उनको, मीडिया हाउसेस को अपना जाति वाला पार्टी और अपनी जाति वाली सरकार मिल गई है तो वो क्यों दिखाएगी? तो क्या राहुल गांधी की वो जाति नहीं है? है, बट प्रायोरिटी तय करेगा। जैसे आपके पास चिकन हो, मटन हो और फिश हो तो आपको क्या पसंद है गजेंद्र को वो तय करेगा ना। आपको फिश पसंद हो, मटन, नॉनवेज तीनों हैं, लेकिन आप क्या खाएंगे? जो पहली प्रायोरिटी हो कि आप सेकेंड थर्ड प्रायोरिटी खाएंगे? तो मीडिया की पहली प्रायोरिटी ब्राह्मण में भी जो है उसको दिखा रहे हैं। लेकिन जो घोर विरोधी थे आप तारीफ करने लगे इस यात्रा से, कौन तो क्या समझा जाए? बाबा रामदेव की बात कर रहे हैं। अब ये पॉलिटिकल, रामदेव से पूछिए, मुझसे मीडिया पर पूछिए। मैं देखिए पॉलिटिकल थोड़ी है, मैं मीडिया का छात्र हूँ। नहीं नहीं, मैं मीडिया का छात्र हूँ तो मीडिया वाला सवाल पूछ सकते हैं। मेरी जो समझ है मीडिया हाउसेस में काम करने का, सोशल मीडिया चलाने का, वो बता सकता हूँ। राजनीतिक क्या लगता है कि कांग्रेस आगे बढ़ेगी? ये पॉलिटिकल सवाल है, ये तो नेताओं से पूछिए। आपको क्या लग रहा है जो माहौल बन रहा है देश में, क्या मीडिया में कुछ? मैं पत्रकार हूँ भाई, मीडिया में कुछ बदलाव आ रहा है आपको लग रहा है? मीडिया में बदलाव नहीं आएगा। मीडिया को कह दिया गया, आज तो एक नेता ने भी कहा है कि मीडिया को कह दिया गया कि किसको दिखाना है किसको नहीं दिखाना है। लेकिन देखिए मीडिया ना तो दबाव में है, ना मोदी जी से डरता है, ना मीडिया को पैसे से खरीदा गया है। मीडिया की जाति सहमति है और धार्मिक सहमति है आरएसएस बीजेपी के साथ। तो ये आरोप गलत है जो कहा जाता है मीडिया को खरीद लिया मोदी? बिल्कुल, मेरी एकदम पक्की राय है कि मीडिया को मायावती नहीं खरीद सकती है, उनके पास भी पैसा है। तेजस्वी यादव अभी डिप्टी सीएम है, नीतीश सीएम है, खरीद के दिखा दे। मीडिया को खरीदा नहीं जाता है, मीडिया की बेचार, जैसे आपको खरीद लेगा कोई? आप बहुजन समाज से हैं तो आप बहुजनों की बात करते हैं। ये जाति प्रधान देश है, इस देश में जो जिस जाति से आएगा, जिस धर्म से आएगा उसकी बात करेगा। अगर कोई झूठ बोल रहा है कि मैं इंसान हूँ, मैं जाति धर्म नहीं मानता हूँ, तो समझिए कि वो आदमी बहुत झूठ बोल रहा है। तो फिर 90% तो फिर अपर कास्ट मीडिया में, तो फिर कैसे? 90 नहीं, 99.99% है, तो वो दिखा रहे हैं ना अपर कास्ट की पार्टी को। तो फिर बहुजनों का क्या होगा? बहुजन अपना पत्रकार बने, अपना मीडिया हाउसेस खोले। जिसने गाय पाला है वो दूध खाएगा, गाय पालेगा कोई दूध खिलाएगा आपको? अब बहुत होशियार हैं। आप कह रहे हैं कि मीडिया को खरीद नहीं सकते हैं, लेकिन दूसरे तरह से अगर कहें कि एडवर्टीजमेंट के द्वारा तो खरीदा जा रहा है। अरे भाई साहब, सरकार एडवर्टीजमेंट देती है तो वो दिखाते हैं, खरीदा नहीं जाता है। आपको मैं बता रहा हूँ, खरीदना होता तो बहन जी ने सबसे ज्यादा एडवर्टीजमेंट दिया था जब यूपी की मुख्यमंत्री थी। मीडिया की एक जाति है, मीडिया का एक धर्म है। लोग कह रहे हैं कि 14 के बाद बदलाव आया मीडिया में, इतना जल्दी से कैसे बदलाव आ जाएगा? क्या बदलाव आया साल में? क्या बदलाव है? बदलाव मीडिया अब ज्यादा ही, देखिए अब मीडिया में ज्यादा डाइवर्सिटी है। पहले मीडिया और जातिवादी मनुवादी थी। अच्छा। अब सोशल मीडिया आ गया है, गजेंद्र है, तमाम सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है, यूट्यूब है, तो अब मीडिया ज्यादा लिबरल हुआ है। पहले नेहरू गांधी के समय में एक लाइन नहीं लोग सरकार के खिलाफ बोलता था, अब तो मोदी जी की हम लोग धज्जियां उड़ा देते हैं, सरकार से सवाल पूछ रहे हैं। मीडिया अब ज्यादा ईमानदार हुआ है, लेकिन सोशल मीडिया, बहुजन मीडिया, जो सवर्ण मीडिया है वो अपने अपने आका के साथ है। क्या टीवी का कोई रिवर्सल है यहाँ से स्थिति को? टीवी मीडिया बेहतर कर सकता है कि नहीं? टीवी मीडिया बेहतर नहीं कर सकता, पत्रकार की अगर भागीदारी होगी, अगर रिजर्वेशन लागू हो जाए मीडिया हाउसेस में, तो स्थिति बदल जाएगी।
इस देश में उन तमाम संस्थाओं को देखिए जहाँ डाइवर्सिटी है, LIC बैंक वो सब बेनिफिट में है, PSU कंपनियाँ, जहाँ SC ST OBC माइनॉरिटी और जनरल सबकी भागीदारी होगी, आपके घर में सब लोग की राय लेकर कोई काम होगा तो वो काम ज़्यादा अच्छा होगा। तो जो जातीय भागीदारी है, जो डाइवर्सिटी का सवाल है मीडिया में, अगर वो आ जाएगा तो मीडिया चेक एंड बैलेंस हो जाएगा। ये पहले से नहीं था सवाल, ये भी तो है। आपको नहीं पता है कितने गैर सवर्ण संपादक है इस देश में, आप तो पत्रकार हैं, बताइए कितने हैं? अब गिनती नहीं है लेकिन ज्यादातर है। कितने गैर सवर्ण है वही बता दीजिए, एक भी नहीं है। नहीं है तो फिर, लेकिन 14 के बाद तो कुछ ज्यादा बोल रहे हैं कि वैचारिक जो आप बता रहे हैं जिसको, तो 14 के बाद सोशल मीडिया आया ना, यूट्यूब आया है, फेसबुक आया, ट्विटर आया, मैं टीवी अखबार की बात कर रहा हूँ सर। सोशल मीडिया पर तो अब तमाम समाज, कम्युनिटी और जाति के लोग उनको कंटेस्ट, मतलब उनको चैलेंज कर रहे हैं। लेकिन शंभू जी, जितना प्रभाव टीवी और अखबार का, इतना सोशल मीडिया का नहीं है ना। अब ये गफलत भी टूट गया है, अब टीवी कोई नहीं देखता, आप सब मोबाइल में ही टीवी देखता है। तो आप कंटेंट क्रिएट कीजिए मोबाइल पर, देखना सबको यूट्यूब पर ही है, सारे टीवी चैनल्स लोग यूट्यूब पर देख रहे हैं, सारे अखबार लोग वेबसाइट पर पढ़ रहे हैं, तो ये शिकायत भी आपकी दूर हो जाएगी। क्योंकि बहुजनों के लिए दिक्कत हो रही है ना, जो नेट है, डाटा है, वो महंगा होता जा रहा है, ये भी एक बड़ी समस्या। अब ये देखिए, ये धीरे धीरे होगा, जो समाज शोषित है, वंचित है, गरीब है, उसको अब धीरे धीरे, लेकिन मुझे लगता है कि जागरूकता आई है एंड आई एम वेरी होपफुल कि इतना मीडिया, पहले कभी डाइवर्सिटी नहीं थी, एक तरफा आवाज़ आती थी, अब दोनों तीनों चारों तरफ की आवाज़ें गूंज रही, इतने सारे करंट मीडिया के समर्थक हैं आप? हाँ, मैं अभी जो पत्रकारिता हो रही है खासकर सोशल मीडिया, मैं उसका समर्थक हूँ, डाइवर्सिटी का मैं पक्षधर हूँ। जितना ज्यादा मार्केट में दुकान आएगी, सामान उतना सस्ता होगा। तो लोग ये भी तो कह रहे हैं कि सोशल मीडिया, टीवी पे वो मार्केट क्यों नहीं बढ़ रहा है? अरे टीवी किनके पास है, टीवी का मालिक कौन है, उनकी जाति पता कीजिए ना, फिर आपको पता चल जाएगा। सोशल मीडिया में भी ऑप इंडिया जैसी वेबसाइट हम देखते हैं तो क्यों नहीं चलाएगा? आपको सोशल मीडिया, ये तो मना नहीं कर रहा है ना कि गजेंद्र शेड्यूल कास्ट शेड्यूल ट्राइब ओबीसी नहीं चलाएगा, लेकिन टीवी अखबार में ये तय है कि SC ST OBC की नौकरी नहीं मिलेगी। लेकिन जिनके पास ज्यादा मनी का पावर है, जिनके पास ज्यादा सोशल पावर है, वो इंटरनेट को भी कब्जा कर सकते हैं। अब कर लेंगे तो देखा जाएगा, वो लोग जिनको समाचार सुनना, SC ST OBC माइनॉरिटी के लोग अपना लड़ेंगे, अगर उनको खबर चाहिए तो लड़ना पड़ेगा ना, गाय पालना पड़ेगा। तो गाय की राजनीति होगी? गाय का मतलब मैं कह रहा हूँ दूध, जिसमें प्रोटीन होता है, गुड सोर्स ऑफ प्रोटीन है। पर वो तो भैंस के दूध में अच्छा होता है, भैंस के दूध में भी अच्छा होता है, फिश में भी होता है। तो जिसको चाहिए न्यूज कंटेंट, अपने हक अधिकार की बात चाहिए, वो अपना मीडिया खड़ा करेगा। आप पॉलिटिकली करेक्ट खेल रहे हैं? आप पॉलिटिकली करेक्ट खेल रहे हैं कि नहीं खेल रहे, आप तय कीजिए। सवाल ये है कि सोशल मीडिया, टीवी मीडिया क्या दो धड़ा में बढ़ गया इस दौर में? दो धारा में अभी भी SC ST OBC माइनॉरिटी के पास जो सोशल मीडिया है वो उतना ताकतवर नहीं है, संसाधन कम है, लेकिन अब वो मौका दे रहा है। यूट्यूब, फेसबुक, ट्विटर, ये नहीं होता तो ये भी मौका नहीं मिलता, क्योंकि अब वहाँ और लोगों का टीवी देखने का तरीका बदल गया, अब लोग टीवी भी मोबाइल पर देख रहे हैं, तो इसलिए बहुजनों के लिए बड़ा मौका है। मैं तो कहूँगा हज़ारों की संख्या में लोग अपने आप को यूट्यूब के पत्रकार, यूट्यूबर्स बनाए, कंटेंट क्रिएटर बनाए, पैसा भी है, सम्मान भी है, और आप देश को मजबूत भी करेंगे। शंभू जी, एक आखिरी सवाल, आप पे आरोप लगता है कि आप जातिवाद फैलाते हैं। ये आरोप कौन लोग लगाते हैं वो बताइए, जाति किसने बनाई? हम जातिवाद के शिकार लोग हैं, हम जातिवाद खत्म करना चाहते हैं, हम चाहते हैं संविधान लागू हो। अब जिन्होंने जाति बनाई है, जिनके खिलाफ हम लड़ रहे हैं, वो हम पर क्या फूल बरसाएंगे, कालीन लेके आएंगे? आपको कोई दिक्कत नहीं होती है? मैं सही बात बोल रहा हूँ तो मुझे दिक्कत क्या है, मैं संविधान के हिसाब से सही काम कर रहा हूँ, मैं जातिवाद के खिलाफ लड़ रहा हूँ, जातिवाद खत्म करना चाहता हूँ। इस देश में NCRB के आंकड़े हैं, धमकी भरे कमेंट्स आते हैं ना, अरे ठीक है वो तो क्या हमें क्या कालीन बिछाएंगे? NCRB के आंकड़े, सबसे ज्यादा जाति के आधार पर रेप और मर्डर होता है। आप कह रहे हैं हम जाति की बात करें, हम तो जातिवाद के खिलाफ लड़ रहे हैं। एक तरफ तो आप लोग कहते हैं कि जाति तोड़ो, हाँ बिल्कुल, दूसरी तरफ जाति को बढ़ावा भी। मैं कहाँ बा, मैं SC ST OBC माइनॉरिटी की बात करता हूँ, ये कॉन्स्टिट्यूशनल टर्म्स है, मैं किसी को नहीं कहता हूँ कुर्मी, कोयरी, कुशवाहा, आई एम टॉकिंग अबाउट द कॉन्स्टिट्यूशनल टर्म्स, SC ST OBC माइनॉरिटी इन जनरल। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।